ये फेस्टिवल सीजन में कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स ने लाया है अब तक की सबसे बेस्ट डील और ढेर सारे एश्योर्ड फ्री गिफ्ट्स। कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स को मुमरा में पिछले 11 सालों से एक ट्रिमेंडस रिस्पांस मिला है। कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स एक ही छत के नीचे मिलेंगे, फिर चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, माइक्रोवेव या फिर मोबाइल फोन, कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स पर सब मिलेगा। और हाँ, कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स में फाइनेंस भी अवेलेबल है। 0% डाउन पेमेंट पर आप अपने कोई भी मन चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स ले सकते हो। बेहतरीन ऑफर्स एंड फ्री गिफ्ट सिर्फ और सिर्फ आपको कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स में ही मिलेगा। तो एक बार जरूर स्टोर विजिट करें कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स, ओल्ड नशेमन कॉलोनी नियर बशीर मेहंदी वाला मुमरा। तो हम आपको कुछ आप ये तो नहीं कर सकते पर बच्ची का आगे की पढ़ाई पूरी हम करेंगे। एक मिनट में बोलने दो उनके जो मन में उनके आपको बोलने तो दो दिन की बोलने और मैं अभी मेरे औकात में ना लाया हूँ, वो तेरे लिए नहीं लाया। वो बच्चे को जहाँ भी मदद लगे, कहीं अच्छे हॉस्पिटल में मदद लगे तो कभी भी हमें याद कर लेना हम लोग। बोल बेटा चल। अरे रो मत यार, जो बोलना बोलूंगा ना, हमारे घर के बात के नहीं है। और मेरा यकीदा ये है ना कि जो हमारा रिश्ता वो मेरा रब दे, मेरा रब देता है, मेरा रिक मेरे बच्चे का रिक और वो जो छोटी बच्ची हुई है उसका रिक मेरा रब देगा। मुझे अगर आपसे कोई मदद चाहिए ना तो मुझे इंसाफ और कुछ नहीं चाहिए, सब तो हम दिलवाएंगे बस, और बस, कुछ बस, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। बाकी मैं मेरे बच्चे की तबीयत मैं रिक्शा चला के करूँगा, बेहतर से बेहतरीन करूँगा, मैं को कुछ नहीं चाहिए। अगर आप कुछ दिला सकते हो ना तो मुझे सिर्फ इंसाफ दिलाए, क्योंकि मेरी शरीक हयात गई, मेरे बच्चे के सर पे से उसकी मार गई। वो जब रात को उठ के बोलती है ना अब्बू माँ का है, तो मेरा कलेजा फट जाता है। तो मैं 25-50 करोड़ भी ले लूँगा ना तभी भी मैं वो उसकी माँ नहीं ला कर आके दे सकता। तो मुझे एक रुपये नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इंसाफ चाहिए। मैं मेरी बच्ची को की तरबियत इंशाल्लाह बेहतर से बेहतरीन करूँगा, गाड़ी चला के करूँगा। बाकी तो मेरा रिस्क मेरा रब उसका रिस्क लिखा ही है, मैं गाड़ी चलाऊँगा मेरा रब उसका रिस्क देगा, उसकी तरबियत भी जितना मेरे से मेरे औकात के हिसाब से करूँगा, मैं अच्छी से अच्छी करूँगा दोनों बच्चों की करूँगा। लेकिन मुझे खुद दिला सकते हो तो सिर्फ इंसाफ दिला। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के EMC हॉस्पिटल में जिस महिला की मौत हुई थी जिसका नाम नाजमीन कुरैशी बताया जा रहा है, और इस पीड़ित परिवार के घर पर आज कलवा मुमरा के जो विधायक है जितेंद्र भाट वो पहुंचे थे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। दरअसल मुआवजा देने की कोशिश की गई लेकिन बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार ने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया। पीड़ित परिवार ने साफ तौर पर विधायक जितेंद्र भाट से कहा है अगर उन्हें कुछ चाहिए तो सिर्फ इंसाफ चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इस हॉस्पिटल में लापरवाही सामने आई जिसके वजह से एक महिला की मौत हो गई, इसको लेकर परिवार ने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ उन्हें इंसाफ चाहिए। जितेंद्र भाट जो कलवा मुमरा के विधायक है, इन्होंने और भी यहाँ के कुछ राजनीति करने वाले लोगों पर भी तंज कसते हुए मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। और सब आज आप उस पीड़ित परिवार के घर पर पहुंचे हुए हैं जिस महिला की मौत हुई थी हॉस्पिटल में लापरवाही की वजह से, परिवार का कहना है कि उसकी मौत लापरवाही के वजह से ही हुई है। कमिश्नर से मेरी बात हुई है और उसकी इंक्वायरी शुरू की है, अब जो भी उसमें गलत साबित होगा उसको घर जाना होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था, मेरे को सब पता है, मैंने इस फैमिली से सब मालूमात ली है, उन्होंने बताया था कि हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं था, नर्सेस और आया अंदर थी मेटर्निटी रूम में, लेबर रूम में, और उन लोग ही सब संभाल रहे थे। तो ये बात बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी है और इसका सबक सिखाना चाहिए। परिवार को कुछ मुआवजा नहीं, वो ठीक है, वो बात की बात है, मैं मुआवजे के बारे में अब बात नहीं करूँगा। पहले उस फैमिली की मांग है कि हमको जस्टिस मिलना चाहिए, पहले जस्टिस के लिए कोशिश करेंगे।
इसके अलावा कल मुमरा में एक एमओएफ करके ग्रुप है, उसके कुछ सदस्य और सैयद अली भाई को ऐसा है, मैं उसके ऊपर भी कुछ बात नहीं करूँगा। जब ये हॉस्पिटल बना, ये 100 बेड का हॉस्पिटल है, हमारी कोशिश ये थी और ये है कि यहाँ से कैंसर से लेके हार्ट तक सब बीमारियों का इलाज हो। जैसे आज भी शिवाजी में न्यूरो का कोई ऑपरेशन नहीं होता है, तो हमने कोशिश करके यहाँ पे न्यूरो भी लाया है। यानी जितनी भी बीमारियाँ जो मौत के तरफ लेके जाती है, उन सब बीमारियों का ऑपरेशन और इलाज करने के लिए यहाँ पे हमने तवज्जो दे के सब रखा है। अब इसमें बात ये हुई है कि जिस आदमी को ये हॉस्पिटल देने का यानी मेरे हाथ में नहीं है, टेंडर जिसने निकाला था म्यूनसिपालिटी ने, एक आदमी तय किया था 3 टेंडर आने के बाद कि इसको देंगे, तो कोई इसके खिलाफ हाईकोर्ट में गया। मैं लगातार पिछले सालों से इसके पीछे लगा हूँ। जब इसके प्राइवेटाइजेशन का नाम आया तो लोगों ने उस पर तमाशा किया कि प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रहा है, तब हमने ये समझाने की कोशिश की ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है, कैशलेस हॉस्पिटल है। यानी बिना एक रुपया रखे आप हॉस्पिटल में चले जाओ तो आपको बाहर निकाला जाएगा, पैसा नहीं लगेगा। अब हाईकोर्ट ने कहा है कि 15 तारीख के बाद हम डिसीजन देंगे, 15 तारीख को डिसीजन दे सकते, अभी तब तक ये हॉस्पिटल म्यूनसिपालिटी के हाथ में है। और म्यूनसिपालिटी ने ये सोचा था कि हम लेबर वार्ड सिर्फ चालू रखेंगे, क्योंकि मुंबरा में गरीब लोगों की कई बच्चियां ये कहीं ना कहीं एडमिट हो जाती है डिलीवरी के लिए, और उससे पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, बाहर कुछ प्रॉब्लम खड़े हो जाते हैं तो उनको मदद नहीं मिलती है। तो इसके लिए म्यूनसिपालिटी ने यहाँ पे लेबर वार्ड खड़ा कर दिया था। कल मैंने जो बातें सुनी उसमें नगर सेवकों को गालियाँ मिली थी, कोई कुछ पूछ रहा था, कोई कुछ पूछ रहा था। मेरा एक ही कहना है, हॉस्पिटल अगर म्यूनसिपालिटी के अंडर है तो आज वो डायरेक्ट जाता है यूडी डिपार्टमेंट के अंडर। यूडी डिपार्टमेंट का मालिक है मुख्यमंत्री, कभी मुख्यमंत्री से सवाल पूछा? कभी पालक मंत्री से सवाल पूछा? कभी पूछा कि जितेंद्र आवाड़ का निधि को क्यों रोक दिया है तुमने? मुझे ये बातें नहीं करनी यहाँ पे, मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूँ हर चीज़ पे। मैं पिछले एक साल से चुप बैठा हूँ, सब मजा देख रहा हूँ, मुमरा की क्या गंदी हालत हो रही सब देख रहा हूँ, मैं बात ही नहीं करता हूँ और मुझे बात करनी भी नहीं है। पर लेकिन मालूमत तो रखो किसको सवाल पूछना चाहिए। तुमको सैयद अली भाई का नाम मत लीजिए, सैयद अली भाई ने कुछ भी नहीं बोला है, वो छोड़ दो, सैयद अली भाई का नाम मत लीजिए। आपको जिनका नाम लेने के है कौन बोला उधर जाके एम्बुलेंस को आग लगा दो? आपको मालूम है किधर गए वो अंकल, किधर गए? इनको पूछो जरा किसने मदद की, एम्बुलेंस किसने दिलाई, जरा पूछो। रात को 2 बजे जब ये मौत हुई तो जरा पूछो लोगों, इनको पूछो रात को 2 बजे। एक किधर है रे? शाहरुख, शाहरुख भाई सबसे पहले कल से कल हॉस्पिटल। शाहरुख तूने किसको फोन, शाहरुख तूने किसने फोन लगाया था? एक मिनट, आपके पास कौन आया था शमीम भाई? जो भी है यानी फैमिली आई थी, इन्होंने मेरे से रात को 2:30 बजे बात की थी। क्यों लोग इनको फोन नहीं करते रात को 2:30 बजे के मदद करो करके? ये सवाल आप पूछो ना कि तुमको लोग क्यों नहीं फोन करते रात को 2:30 बजे? ये फोन जितेंद्र आवाड़ को क्यों जाता है? क्योंकि मैं रात को 4:30 बजे भी लोगों का फोन उठा लेता हूं। कितनी की जान जाके यासीन कुरेशी है ना, उसको पूछिए 4:30 बजे एक दिन उसके 2 पेशेंट एडमिट करवाने थे जेजे में, 4:30 बजे से लेके 6:30 बजे तक मैं फ़ोन पे बैठा था, जब एडमिट हुआ तब जाके मैं सो गया। ये यहाँ पे बोलना बहुत आसान है, काम करो ना यार। हर चीज़ के लिए जितेंद्र आवाड़ मेरे से दुश्मनी है। मैं नहीं है ना मानता कि तुम मेरे दोस्त हो,
आप जिसकी बात कर रहे हैं वो भी राजनीतिक पार्टी से हैं और मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूँ, किसी के बारे में बात कर नहीं रहा हूँ। सैयद अली भाई साहब को तो सिर्फ आगे किया जाता है, उनके दिल में कुछ भी नहीं था। मेरी एक घंटा उनसे बात हुई, मैंने बताया भी मैं उधर जा रहा हूँ, तो बोले जाओ उनको मदद करो, उनके सर से हाथ घुमा। हमको वो शीला कौन, शीतल पाटिल कौन है, वो अपने को नहीं चाहिए, मतलब वो काम हो जाएगा। आपको मालूम है हॉस्पिटल में दररोज कौन आता है? आपको नहीं मालूम है क्या? आप बताइए, आपको सब मालूम है ना कौन हॉस्पिटल में दररोज आता है, कौन बुलाता है, आपको सब मालूम है। वो तो सैयद अली भाई सब तो पहली बार आए, लेकिन वो तो साफ कह रहे हैं कि जो है यहाँ के नेताओं की ये लापरवाही की वजह से है। बिल्कुल देखो ऐसा है, उन्होंने जो आदमी अगर गुस्से में है तो बोल देता है, उसमें क्या है, उसमें क्या बड़ी बात है क्या? हम भी हमारे मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा लेके गए थे 25,000 का, मुख्यमंत्री के खिलाफ। वो तो हर इंसान में लोकतांत्रिक हक है उसको बोलने का, उसमें गलत क्या बोला उन्होंने? पर जो दरोज आके दलाली करते उनके बारे में पूछो ना यार, कौन दलाली कर रहे हैं? आप निकालो ना, आप निकालो जानकारी। तो इसलिए हॉस्पिटल से गलती हुई है, उसकी सजा उसको मिलेगी, ये मेरे भाई ने मांग की है, उसकी मांग पूरी हो जाएगी। मेरी उससे बात हुई है, मैं ये नहीं बताना चाहता हूँ कि ये हॉस्पिटल रोकाने की किसने कोशिश की, वो भी आपके ही इर्द गिर्द में बाजू बाजू में हैं जो आजकल हर काम रोकने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कब्रिस्तान हो, चाहे कि रास्ते के काम हो, हर काम पे इंक्वायरी लगाते हैं। जैसे क्या 15 साल में जितेंद्र आवाड ने सिर्फ आके मुमरा में चोरी की है, ये तो मुमरा की आवाम जानती है कि 2009 के पहले मुमरा क्या था और 2024 में मुमरा कैसा है, ये मैं नहीं बताना चाहता। मैं तो इस साल वोट भी मांगूंगा ना तो मेरे काम के ऊपर नहीं मांगूंगा, मैं वोट मांगूंगा गद्दारी और ईमानदारी के से, कि आप ईमानदारों को वोट देंगे या गद्दारों को वोट देंगे, बस मैं काम पे वोट मांगने वाला नहीं हूँ। गद्दार कौन? मैं अभी समाज जनता ठहराएगी ना, जनता को बहुत अक्कल है कौन गद्दार है और कौन ईमानदार है, कौन वफादार है, ये जनता को बहुत अक्कल है। क्यों आप तो नाम क्यों? मैं क्यों, मेरे मुंह में, मैं जिंदगी में किसी का नाम नहीं लेता हूं कभी, और नाम लेता हूं तो ऐसे लोगों का लेता हूं जिनसे मैं डरता भी नहीं, और मैं जिंदगी में सिर्फ ऊपर वाले से डरता हूं, किसी के बाप से नहीं डरता हूं। नजीम मुल्ला मेरे को कोई लेना देना, ये हाथ मेरे बंधे थे अब हाथ खुल गए हो, बहुत अच्छे हो गए हाथ खुल गए, तो बाल बिल पे हाथ घुमा ले बोलना। चार देखो, ये बंटी भाई का नंबर है, इनको मैंने आधी रात को भी जब भी फोन किया, कभी भी फोन किया, मेरे को हेल्प की अभी हमें आधी रात को हेल्प मिला है। जब भी इनको फ़ोन किया, ये साहब को फ़ोन किया है, तो मेरे को आधी रात को ये बच्चे के लिए मैंने फ़ोन किया था, जबकि मेरा कोई बच्चा लगता नहीं है। बाकी ये देखो, ये बच्चा वो है जिसके हार्ट दिल में सुराख था, इसके लिए मैंने फ़ोन किया। बंटी भाई से ऐसी बात है, बंटी भाई ने हॉस्पिटल का पैसा भी भरा है उसका, और ये बच्चे के लिए भी मदद भेजा, और यहाँ से लेकर नायर तक का कोशिश करके रात के थ्रू वहाँ पर अवेलेबल किया, पहले बेड अवेलेबल किया ICU का बच्चे का, उसके बाद में यहाँ से एम्बुलेंस अरेंज करके वहाँ तक का भेजे, जब तक का कांटेक्ट में थे जब तक बच्चा वहाँ एडमिट नहीं हो गया। अभी आपके पास यहाँ पर विधायक आए जितेंद्र आवाड, उनसे आप लोग परिवार की क्या बातचीत हुई है, क्या उन्होंने कहा काई के लिए? उन्होंने हम लोगों को ये आश्वासन दिए कि हम लोग हॉस्पिटल का जो होगा इंसाफ उसके साथ करेंगे, हम लोग करेंगे, और जो हम लोग को पूरा उम्मीद भी है, हम लोग को ये इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं, हमारे साहब है वो हमारे लिए करेंगे और 100% करेंगे, और बाकी का और भी कुछ होगा तो हम उनके पास जाके हम उनको झिंझोड़ेंगे, वो हमारे लिए खड़े रहेंगे, हमको पूरा उम्मीद है हमारे हिसाब से। और मैंने जब भी इनको बोला हूँ तो मेरे लिए कभी मेरे आदमी ने नहीं बोला, आधी रात को 2 बजे रात को मैंने फ़ोन किया हूँ, 2 बजे रात को ये आदमी ने मेरी मदद किया है। उसमें शमीम भाई ने कालसेकर हॉस्पिटल के अंदर बहुत हेल्प की, कंटिन्यू इशारे लगे, वो बातें हो चुकी। शमीम भाई जो हैं, जब तक हम लोग शिवाजी हॉस्पिटल में नहीं चले गए, जब तक शमीम भाई हमारे साथ में फ़ोन पे लगे रहे। शमीम भाई, शाहरुख भाई लगे थे माशाल्लाह, उसके अंदर कंटिन्यू इनकी बातें चली रही थी, और मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ शमीम भाई का, और शमीम भाई के साथ में जो जितने अवार्ड साहब हैं हमारे, उन्होंने काफ़ी हेल्प की उसके पीछे। तो अब हेल्प यही चाहिए कि सर आगे और एक्शन लें हमारे लिए, कि जितना हो सके सब मिलजुल कर काम करें।
मैं ना भाई एक बात बोलना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि जितने लोग हमारे पास आ रहे मैं यही बोलूँगा खाली हमारे दुख में आओ और हमारी मदद करते तो करो लेकिन राजनीति मत करो। इसमें आप दूसरे टन पे मत जाओ, ये सिर्फ हमारी मदद करने आओ, हर जगह पे राजनीति नहीं होती है। बस यही रिक्वेस्ट है लोगों से और कुछ नहीं है।